इस चैनल पर मैं काफी लंबे समय से रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाता आ रहा हूँ और अब फाइनली मैंने व्लॉग्स बनाने की शुरुआत भी कर दी है। हेलो राइडर्स, यह द ब्रूटेड शो और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इस चैनल के कंटेंट से जुड़ी कुछ बातें, साथ ही कुछ कमेंट्स भी डिस्कस करूंगा। सो लेट्स बिगिन। अब तक मैंने इस चैनल पर ऑटोमोबाइल कंपनीज की स्टोरी, बाइक्स के रिव्यूज और कंपैरिजन, प्रोफेशनल रेसिंग, आइल ऑफ मैन टीटी और मोटो जीपी के बारे में कई वीडियोस बनाई हैं। काफी सारे व्यूअर्स ने मुझे मोटो व्लॉग्स बनाने को कहा था, पर मैं इसके बारे में कभी सीरियसली सोचता नहीं था क्योंकि मुझे टिपिकल व्लॉग ज्यादा पसंद नहीं है। हेलो, वेलकम टू माय YouTube चैनल गाइस। Today I am going to make a new video, so please sabar kar. FBI, open up! Vlogs के comparison में मैं ऐसी videos देखना ज्यादा पसंद करता हूँ जिनमें कुछ information हो, कुछ सीखने को मिले, और इसीलिए मैं इस चैनल पर भी अपनी वीडियोस को व्यूवर्स के लिए यूजफुल बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन रिसेंटली मैंने रियलाइज किया कि व्लॉग्स की कैटेगरी में भी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस बनाई जा सकती हैं, और अभी के टाइम में इसकी जरूरत भी है क्योंकि यूट्यूब पर कई ऐसी मोटो व्लॉगिंग वीडियोस अपलोड हो रही हैं जो रैश ड्राइविंग और न्यूसांस यानी कि पब्लिक को परेशान करने वाली एक्टिविटीज को प्रमोट करती हैं। ऐसे में अगर मैं मोटो व्लॉगिंग के थ्रू रोड सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबल राइडिंग को थोड़ा भी प्रमोट कर पाऊँ तो ये काफी अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने मोटो व्लॉगिंग करने के लिए इंटरनेट पर एक्शन कैमरा खोजना शुरू किया। ऑब्वियसली मैंने GoPro का नाम सुना था, पर मैं इतने ज्यादा पैसे खर्च करना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने थोड़ी रिसर्च के बाद SJCAM SJ8 डुअल स्क्रीन ऑर्डर कर दिया जो मुझे 14,000 का पड़ा। कैमरा डिलीवर होते ही मैंने पूरी एक्साइटमेंट के साथ उसे अनबॉक्स किया और अपने हेलमेट में उसे माउंट करके रिकॉर्डिंग ट्राई करने लगा, पर इस कैमरे का फील्ड ऑफ व्यू इतना वाइड नहीं था कि बाइक के कंसोल और सामने की सड़क को पूरा कवर कर पाए। मजा नहीं आ रहा है। डिफरेंट कैमरा सेटिंग्स ट्राई करने के बाद भी इससे मोटो व्लॉगिंग के लायक वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई और मेरे 14,000 डूब गए। कुछ दिनों बाद मैंने अच्छे से रिसर्च करके GoPro Hero 9 ऑर्डर किया जो सरप्राइजिंगली एक ही दिन में डिलीवर हो गया। GoPro की पैकेजिंग और इस बॉक्स को देखकर मैं समझ गया कि SJCAM और इस GoPro की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। GoPro को हेलमेट पर माउंट करने के बाद मुझे वो परफेक्ट मोटो व्लॉगिंग व्यू मिल ही गया। क्या बात है सर। तो अब आगे इस चैनल पर मैं पुरानी कैटेगरी की रिसर्च बेस्ड वीडियोस लाता रहूंगा जिनमें मैं बिल्कुल यूनिक टॉपिक्स चूज करने की कोशिश करूंगा। व्लॉग्स में भी मैं ज्यादा से ज्यादा यूजफुल एलिमेंट्स डालने की कोशिश करूंगा ताकि व्यूअर्स को कुछ सीखने को मिले। अब यहाँ मैं आपको अपनी बाइक दिखाऊंगा। ये 2020 की यामाहा R5 V3 BS6 वर्जन है। ये बिल्कुल स्टॉक है, इसमें मैंने बाहर से कुछ भी नहीं लगवाया है सिवाय स्क्रैच गार्ड के। इंजन के लिए मैं सिंथेटिक ऑयल यूज करता हूँ जो नॉर्मल इंजन ऑयल से काफी बेटर परफॉर्मेंस देती है। हाँ, ये थोड़ी महंगी होती है, पर अच्छी परफॉर्मेंस के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट जस्टिफाइड है। ये सौरा नदी है जो आगे जाकर गंगा में मिलती है। इसकी स्टोरी और शहर के दूसरे हिस्टोरिकल प्लेसेस को भी मैं एक सेपरेट ब्लॉग में कवर करूंगा। और अब देखते हैं कुछ कमेंट्स जो आप लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में किए हैं। That's hot.
बाइक हंटर ने पूछा था, भाई क्या आपके पास अपनी खुद की कोई बाइक है? अगर है तो आप उसे कब रिवील करोगे? तो बाइक हंटर, आपके सजेशन पर ही मैंने अभी अभी अपनी यामाहा R5 V3 दिखाई है वीडियो में। मैं अपनी बाइक को बाहर से सिंपल और सोबर रखता हूँ। मेरा एम्फेसिस बस परफॉर्मेंस पर रहता है, इसीलिए बाइक के पार्ट्स की मेंटेनेंस पर मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। टाइम पर इंजन ऑयल ऑयल फिल्टर रिप्लेस करता हूँ और चेन की क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन का खास ध्यान रखता हूँ ताकि मेरी बाइक स्मूथली चले। निश्चल मीना ने भी बाइक दिखाने को कहा था, तो बाइक मैंने दिखा दी है। अब देखते हैं अगला कमेंट। अरिंदम मन्ना ने पूछा है, लास्ट में जो सॉन्ग था उसका नाम क्या है? सेम क्वेश्चन आतिफ रयात ने भी पूछा है। इसके पहले भी कई लोग आउट्रो सॉन्ग के बारे में पूछ चुके हैं, जिनमें से कई को मैंने रिप्लाई भी किया है, पर आज पब्लिकली बता देता हूँ, उस सॉन्ग का नाम है फॉलो मी बाय वेंद्री दी। हुसैन अली ने लिखा है, आई वॉन्ट मोर वीडियोज ऑफ MotoGP ऑन योर चैनल। MotoGP क्रैश एनालिसिस और रेसिंग रूल्स के बारे में मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। साथ ही मैं आइल ऑफ मैन TT और भारत में होने वाली वन मेक चैंपियनशिप के बारे में भी वीडियोस बनाऊंगा। होपफुली शायद अगले साल मैं बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में जाकर भी कुछ ब्लॉग्स और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस बनाऊंगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच। श्री सिंह ने पूछा है, योशंग कहाँ गायब हो गई? योशंग एक कोरियन मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अब भारत में ऑपरेट नहीं करती है। आगे मैं योशंग पर एक डिटेल वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। हाई स्कूल बॉय ने पूछा है, कैन इंडियन कंपनीज मेक सुपर बाइक एंड सुपर कार्स? इफ यस व्हेन एंड हाउ? मेक अ वीडियो। श्योरली इस टॉपिक पर भी मैं जल्द ही वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। MG मितन कह रहे हैं, तू तो बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया, बहुत दिन से तेरे को KTM ड्यूक 1290R की रिव्यू डालने के लिए बोल रहा हूं, तो नहीं दे रहा है ना? अगर इस बार वीडियो नहीं डाला तो तू एक अच्छा यूट्यूबर नहीं है। रिसर्च, राइटिंग, रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के बाद फाइनल वीडियो तैयार होकर अपलोड करने में ऑन एन एवरेज 3 दिन का समय लग जाता है, तो थोड़ा पेशेंस रखें। आज नहीं तो कल आप सभी के सजेशन वाली टॉपिक पर मैं काम जरूर करूंगा। तो 3 समोसा 3 कचौड़ी पैक कर दीजिए। मैं गरीब हूँ। UPI से पेमेंट हो जाएगा ना? नहीं होगा, छोड़ दीजिए। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they. तो अभी के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। Ride safe to ride again. See you in the next one. Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the microphone dead. Don't stand.